हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websoftutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम अपनी पहली पीएचपी फाइल क्रिएट करेंगे। और फ्रेंड्स, पीएचपी फाइल को क्रिएट करने के लिए हमारे को दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहले वेब सर्वर, जो कि हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। सेकंड, टेक्स्ट एडिटर। मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ। आप सबलाइम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, या आप ड्रीमवीवर भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले इंश्योर कर लें कि आपने वेब सर्वर अपना स्टार्ट कर लिया है। और अगर ये परफेक्टली स्टार्ट है तो यहाँ पे ये ग्रीन शो होगा। तो उसके बाद हम पहले अपना नोटपैड प्लस प्लस खोलेंगे। नोटपैड प्लस प्लस, तो ये सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसमें एचटीएमएल टैग्स लिखूंगा। हेड टैग के अंदर टाइटल, तो फ्रेंड्स मैं इसको सेव करता हूँ। फ्रेंड्स, इसको सेव हम करेंगे वैम्प फोल्डर के अंदर। वैम्प फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है www नाम का फोल्डर, मींस जिस लोकेशन पे वैम्प सर्वर इंस्टॉल है। तो मेरा वैम्प सर्वर ई ड्राइव में इंस्टॉल है, तो मैं क्लिक करता हूँ वैम्प, देन www। उसके बाद मैं इसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसको नाम देता हूँ माई फाइल्स। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप पीएचपी फाइल्स रन करना चाहते हैं ब्राउजर पे, तो आपको उसको रन करने के लिए उसको www फोल्डर के अंदर होना जरूरी है। तो मैं माय फाइल्स के अंदर जाके इसका नाम देता हूँ फर्स्ट डॉट पीएचपी, और इसकी सेव एज टाइप मैं ऑल टाइप्स कर देता हूँ। देन मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी पहली पीएचपी फाइल क्रिएट हो गई है। तो अब इसको चेक करने के लिए हम ब्राउजर में जाएंगे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लोकल होस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो जो फोल्डर्स www फोल्डर के अंदर हैं। तो हमने जस्ट अभी क्रिएट किया है माय फाइल्स नाम का फोल्डर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट डॉट पीएचपी, जो कि फाइल हमने इस फोल्डर के अंदर सेव की थी। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट डॉट पीएचपी। तो ये हमारी फर्स्ट पीएचपी फाइल क्रिएट हो गई है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम एचटीएमएल टैग्स मीन्स जब हम पीएचपी फाइल क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये HTML स्ट्रक्चर होता है, मीन्स HTML टैग्स होते हैं। मेन इसका डिफरेंस आता है एक्सटेंशन में, वो हम .html एक्सटेंशन से सेव करते हैं HTML फाइल, और इसको हम .php एक्सटेंशन से सेव करते हैं। फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं होता कि हमारे को उसमें HTML टैग जरूर यूज करने ही पड़ेंगे। अगर हम इसको यूज नहीं भी करते हैं, तब भी ये एक PHP फाइल ही रहेगी, जिसके अंदर हम अपना PHP कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक H1 टैग लेता हूँ, यहां पे कुछ लिखता हूं। मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसका सोर्स चेक करूंगा। तो इसका सोर्स चेक करने के लिए मैं कीज प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस कंट्रोल यू। देन आप देख सकते हैं ये इसका सोर्स, ये शो कर रहा है कि ये H1 टैग के अंदर है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो मैं टेक्स्ट एडिटर में जाता हूँ, यहाँ पे मैं पीएचपी टैग्स बनाता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैं आपको खाली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना कि अभी मैं पीएचपी टैग्स जो यूज कर रहा हूँ, ये आपको मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, और जो मैं वेरिएबल्स भी यूज करूंगा वो भी आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, पीएचपी वेरिएबल, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ ऋषभ कपूर। और इसको प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे एको नेम। फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज मत होना इस सिंटेक्स को लेके, मैं आपको इसके बारे में आने वाले ट्यूटोरियल में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये मैं खाली आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ, आई थिंक मेरे ब्राउजर में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं सबसे पहले इस फाइल को क्लोज करता हूँ, देन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हेलो वर्ल्ड आया है HTML टैग्स के थ्रू, और ये आया है PHP के थ्रू। तो अब हम इसका सोर्स अगेन चेक करेंगे, तो कंट्रोल यू, देन आप देख सकते हैं H1 टैग जो हेलो वर्ल्ड जो आया था H1 टैग के अंदर, ये उसका कोड दिखा रहा है कि हमने इसको H1 टैग के अंदर लिखा है। लेकिन जो हमने ऋषभ कपूर प्रिंट किया है स्क्रीन पे, वो हमने पहले इसमें उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया था, देन उसको प्रिंट किया था। लेकिन इसने ये कुछ भी ऐसा शो नहीं किया, मीन्स ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि PHP जो भी है, PHP जो है वो सोर्स कोड नहीं शो कर रहा है, ये खाली डाटा शो कर रहा है।
मीन्स ये डाटा कैसे आया ये शो नहीं कर रहा है, ये खाली ये बता रहा है कि ऋषभ कपूर प्रिंट किया हुआ है इस पे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये मैंडेटरी नहीं होता, मीन्स ये जरूरी नहीं होता कि आपको HTML टैग्स यूज करने ही पड़ेंगे। अगर मैं इनको हटा भी देता हूँ तब भी ये PHP फाइल ही रहेगी, मीन्स आप देख सकते हैं ऋषभ कपूर अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये था कि कैसे आप ये था कि हम कैसे एक PHP फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको इस PHP सिंटैक्स के बारे में बताऊंगा और इस एको के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं।